back again to Proxy Gyan. मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब करंट अफेयर्स चैनल पे, जहां पे हम रोज़ाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन सारे रिलेटेड के जो टॉपिक्स हैं उनके करंट अफेयर्स के बारे में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के रिलेटेड एक करंट अफेयर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक न्यू हिमालयन स्नेक स्पीसीज को फाइंड आउट किया है दोस्तों। जी हाँ, जानकर आपको हैरानी होगी कि ये स्पीसीज किस तरह से मिला है उन लोगों को, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह आपको डे बाय डे जो है जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो आपके सामने ला सके। तो लेट्स स्टार्ट। द रिसर्च हु हैव फाउंड ए स्नेक स्पीसीज न्यू टू द साइंस इज ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, आपको जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले स्लाइड में कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नया स्पीसीज है वो उनको इंस्टाग्राम के जरिए से मिला है। एक वीरेंद्र भरद्वाज एक मास्टर स्टूडेंट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपने बैकयार्ड में इस स्नेक की फ़ोटो निकालकर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दी। तो वहाँ से जो है वो स्प्रेड होता 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 साइंटिस्ट के पास गया, जो एक्सपर्ट कमिटी उन लोगों ने उसको देखा और फाइनली इन्होंने घोषित किया कि एक नया स्पीसीज पाया गया है, जो कि चंबा में है, वहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो निकाल कर इसको अपलोड की गई थी। ऑब्वियसली इनका जो स्टूडेंट है, जो मास्टर स्टूडेंट मैं आपको बताया था, ये एक्चुअली इनका पेशा है कि फ़ोटोग्राफ निकालते रहते हैं, स्नेक्स हो गया, लिजर्ट्स हो गया, फ्रॉक्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, नए नए जितने भी स्पीसीज हैं उनके फ़ोटोज़ निकाल कर अपलोड करना इनका काम है। तो इसी तरह इन्होंने जनरल एक्चुअली एक फ़ोटो अपलोड कर दी थी, बट एनी हाउ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किस तरह से रातें रात वायरल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कमेटी को पता चला कि एक नया स्पीसीज आया हुआ, एंड द स्नेक बिलोंग टू ए ग्रुप कॉमनली कॉल्ड कुकरी स्नेक्स। कुकरी स्नेक्स आप सभी लोग जानते हैं कुकरी किसे कहते हैं, आपने देखा होगा नेपाली डैगर इसे कहा जाता है, नेपालियों के पास एक्चुअली एक नाइफ तरह का रहता है, राइट। तो कुकरी स्नेक कम्युनिटी या फिर उसके ग्रुप को बिलोंग करता हुआ इस तरह से पहले माना गया था, बट एनी हाउ जब ये स्पेसिमन को इन्होंने जो है गौर किया, जब देखा, इट डिड नॉट मैच द कॉमन कुकरी स्नेक ऑफ द रीजन। इसका जो स्पीसीज है, इसके जो यू नो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, इसका जो मूवमेंट है, वो सारा कुछ अलग है व्हेन कंपेयर्ड टू द कुकरी स्नेक ऑफ द रीजन। एंड भरद्वाज इन्होंने जो अपलोड किया था, वीरेंद्र भरद्वाज, इन्होंने एक्चुअली दो स्नेक्स को टीम को सौंपा है, जिसका जो है मिर्ज़ा और हर्षिल पटेल, जो गुजरात यूनिवर्सिटी वेस्ट इंडिया, ताकि ये लोग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है इसको कैरी आउट किया जाए और इसके तह तक पहुँचे कि स्पीसीज एक्चुअली इसका निकला कहाँ था और कहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई थी, क्या क्या है, सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए इनको भेजा गया। द वर्क वॉज पुट ऑन होल्ड ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लैब्स हैं, म्यूजियम्स हैं, वो बहुत उनको एक्सेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके बाद जब 2021 अर्ली में जब इसको ओपन किया गया, देन इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द कुकरी स्नेक, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले पिछले स्लाइड में, कि इनिशियली इसको माना गया था कुकरी के कैटेगरी का है, बट अभी ये अलग है। मॉर्फोलॉजिकल डाटा जो निकाला गया फ्रॉम लिटरेचर एज वेल एज द कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन जो भी इन्होंने किया है, और इससे पता चला है कि जो स्पीसीज है अभी तक इसको कोई कम्युनिटी हो, कोई म्यूजियम, कोई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो, उनको अभी तक पता नहीं चला। ये इट वाज अनडिस्क्राइब्ड, ओके, समझ रहे। मॉर्फोलॉजिकल डेटा कैरी आउट किया गया और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ये दोनों को मिलाकर जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको पता चला जी हाँ ये स्पीसीज जो है कोई नया है और हम इस पर रिसर्च करने वाले। एंड द न्यू टू साइंस स्पीसीज वॉज नेम ओलिगोडॉन चुरनहेंसिस। याद रख लीजिएगा, इसका नाम इन्होंने जो रखा है उसका नाम है ओलिगोडॉन चुरहेंसिस, क्लियर। क्योंकि ये जो ज़्यादातर आपको इस तरह के स्पीसीज पाए गए थे चुरा वैली में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसको डिस्कवर किया गया था, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज इज पब्लिश। इसका जो स्पीसीज है इसके बारे में एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी
एक किताब में इसको जर्नल में पब्लिश किया गया था दोस्तों. बिकॉज अभी भी जो है साइंटिस्ट का और एक्सपर्ट्स कमेटी का ये मानना है कि वेस्टर्न हिमालयस का जो रीज़न, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप मैप पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वेस्टर्न हिमालयस का रीज़न है वहाँ पे अभी कई सारा एक्सप्लोरेशन बाकी है दोस्तों. अभी कई सारे वर्क करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रॉपरली वर्क किया जाए, अगर प्रॉपरली एक्सप्लोर करें तो हमको कई सारे नए नए बायोडाइवर्सिटी रीजन्स पाए जाए. एंड दिस रीजन हार्बर्स ए यूनिक स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स हो गया. ओके, एंड द साइंटिस्ट हैव आल्सो बिगन टू अनरावल. अभी जो काम है वो कपिल ऑफ ईयर्स में शुरुआत हुई थी, बट अभी बहुत सारा चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, नॉट ओनली अबाउट द स्नेक्स. अगर आप बात करें वहाँ के प्लांट स्पीसीज हो गया, ओके, और जितने भी फ्लोरा एंड फौना हो गए, ये सारी चीज़ें अभी निकलना बाकी है. तो देखते हैं आगे चलकर क्या क्या ये लोग अभी डिस्कवर करते हैं. बट एनी हाउ, दिस इज द वेस्टर्न हिमालयस रीजन वेयर यू हैव सीन ऑल द डेवलपमेंट्स इज गोइंग ऑन. ओके, और हमारे जो मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने कहा कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाउ द एक इमेज फ्रॉम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से सिर्फ एक इमेज उठाकर एक सच न्यू डिस्कवरी ऑफ स्नेक हम लोगों को पता चला है. एंड अभी कई सारे हॉटस्पॉट को ढूंढना बाकी हैं. एंड जैसे मैंने आपको बताया हिमालयन स्पीसीज का भी जो हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन अभी एक्सप्लोर करना बाकी है. तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि इसी साल पाया गया था. एक अब तक की जो रीसेंट स्नेक स्पीसीज है जो तमिलनाडु में पाई गई थी, और इसके पर भी आई थिंक कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए हाथों हाथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. जो द मोस्ट रीसेंट स्पीसीज, इसके बाद अभी इसको डेवलप किया गया जो अभी मैंने आपको बताया हिमालय का, तो इसका नाम है प्लैटीसेप्स जोसेफ. न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक, क्योंकि जो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं इन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीसीज ऑफ रेसर स्नेक, और इसको इन्होंने नाम रखा था प्लैटीसेप्स जोसेफी फ्रॉम टूटिकोरिन इन तमिलनाडु, एंड ऑल्सो सॉल्व्ड ए नेमिंग कन्फ्यूजन दैट एग्जिस्टेड फॉर नियरली टू सेंचुरीज. टू सेंचुरी से इसका नेमिंग के रिलेटेड कई सारे कन्फ्यूजन चलते आ रहे थे, बट एनी हाउ इन्होंने इसका नाम रखा प्लैटीसेप्स जोसेफी, जो कि टूटिकोरिन तमिलनाडु में इसको पाया गया. एंड ये इन जो नाम रखा गया है वो हर्पेटोलॉजिस्ट नवीन जोसेफ के नाम पे रखा गया है. जो नवीन जोसेफ है हर्पेटोलॉजिस्ट, उनके नाम पे इसको रखा गया है. एज अ डिस्टिंक्ट व्हाइट बैंड ऑन इट्स बॉडी एंड इररेगुलर व्हाइट स्पॉट्स ऑन इट्स हेड होने की वजह से एक यूनिक स्पीसीज इसको रखा गया है. ओके, और इसका जो लेंथ विड्थ शेप की अगर बात करें, इट्स लेस देन ए मीटर इन लेंथ एंड इट इज ए नॉन वेनोमस टेरिस्टोरियल स्नेक. याद रखिए, नॉन वेनोमस टेरिस्टोरियल स्नेक. ओके, अब तक जो है सिर्फ तमिलनाडु में इसको पाया गया था. अभी तक इस तरह के प्रकार और इस तरह के जो टाइप से कोई अदर स्टेट्स में इसको पाया नहीं गई. इट इट्स डाइट चीफली कंसिस्ट ऑफ गीकोस लिजर्ड्स, ये स्मॉल रोडेंट्स को खाता है, लिजर्ड्स को खाता है, गीकोस जो पातर आप कह सकते हैं जो छोटे छोटे कीड़े उसको ये खाता है. एंड दिस स्पीसीज फेसेस ए नंबर ऑफ थ्रेट्स अक्रॉसिंग डिस्ट्रीब्यूशनल रीजन, क्योंकि पहली बार अगर आप देखेंगे तो इट विल बी कन्फाइंड टू तमिलनाडु रीजन ओनली. ओके, और इसीलिए इसकी जो स्पीसीज है अभी अंडर थ्रेट. IUCN का स्टेटस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है वो लगातार डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है. बिकॉज जो ग्रासलैंड इन सदर्न तमिलनाडु आर बीइंग एक्टिवली कन्वर्टेड इनटू प्लांटेशन हो गया, फार्म लैंड्स हो गया, और अर्बनाइजेशन है जितने भी हैं, ये सारा कुछ जो है कन्वर्ट होने की वजह से इसकी जो हैबिटेट है वो कम होती जा रही है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है. एंड दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. हमने पहले डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ अ हिमालयन रीजन, जो नई स्पीसीज पाई गई थी. ओके, और पहले इसको कुकरी की तरह डिक्लेयर किया जाता था, कुकरी की तरह इसको माना जा रहा था, जब इसका मॉर्फोलॉजिकल डेटा और टोमोग्राफी जो जितने भी कंप्यूटराइज टेस्ट हैं वो पाए गए थे, उससे ये पता चला कि कुकरी रीजन नहीं है, कोई अलग स्पीसीज है. राइट, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो स्पीसीज है अभी जो बताई गई थी प्लैटीसेप्स जोसेफी, वो भी इसी साल इसको ईजाद किया गया था. राइट, डिस्कवर किया गया, तो दो स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके साथ मैं दोबारा से आपको मिलूंगा. तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी.